मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन के कंडाघाट में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह के स्कूल होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। शिक्षा क्षेत्र में जिस तरह हिमाचल आगे बढ़ रहा है उसमें एक नई सीढ़ी जुड़ गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इन्वेस्टर मीट करवाना हिमाचल के विकास के लिए एक नई सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट के द्वारा हिमाचल के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रयास कर रही है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में साइन करके कंडाघाट में स्कूल बनाने का निर्णय लिया था जो कि आज बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के लिए जवाब है जो इन्वेस्टर मीट पर सवाल उठाते थे। बता दें कि प्रदेश सरकार ने दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल जो कि विश्व स्तरीय स्कूल है सरकार के साथ एमओयू साइन किया था। स्कूल का निर्माण 25 बीघा भूमि पर किया गया है जिसमें 11 भवन है। इसमें 6000 विद्यार्थियों की क्षमता होगी। इस संस्थान में 60% डे स्कॉलर तथा 40% आवासीय छात्र होंगे। इस अवसर पर उद्घाटन कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, सहकारिता मंत्री राजीव सैजल, सांसद सुरेश कश्यप, सोलन के विधायक धनीराम शांडिल कार्यक्रम में मौजूद रहे। के मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इस संस्थान को शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में जहां पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ से उतरना ये जिंदगी का एक हमेशा का एक कटु सत्य है। जीवन कठिन है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं। चाहे पहाड़ हो, चाहे परिस्थितियां कठिन हो, जटिल हो, उस दृष्टि से इस स्कूल के प्रांगण में जब मैं आया तो मैं समझ रहा था कि इस बात को देख करके कि जैसा हिमाचल का हमारा जीवन जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दौर में से गुजरता है और उसके बावजूद भी रुकता नहीं है, हौसला साथ होता है, हिम्मत साथ होती है, आगे बढ़ने का एक लक्ष्य साथ होता है, तो आदमी मंजिल चाहे कितनी भी मुश्किल हो उस मुश्किल को हासिल कर सकता है। ये इस स्कूल का प्रांगण मुझे लगता है कि हमको इस रूप में जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। कई बार मुझे यहां से आने जाने का अवसर मिला, सड़क से नीचे है ये स्कूल, दिखता नहीं है सड़क से, लेकिन हेलीकॉप्टर से जाते आते देखा हमने। हम सोचते रहते थे कि कौन लोग हैं जो पहाड़ पर बसने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं वाला है। इस अवसर पर इस संस्थान के जो हमारे चेयरमैन है, संस्थापक है बलवान चौकिंग जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह संस्थान आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो एक एमओयू हमने साइन किया था 250 करोड़ रुपए का, और एमओयू साइन करने के बाद जो हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की थी उसके बाद जब हम ग्राउंड ब्रेकिंग के इस दौर में आगे बढ़े तो ये पहला संस्थान है जहां ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ साथ तो जिसका उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ। शिक्षा का संस्थान यहां से शुरुआत हुई हमारी, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की जमीन पर हकीकत को उतारने की, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अब ये संस्थान जो है शुरुआती दौर में से अपना सफर शुरू कर रहा है, लेकिन जब पूरा ये संस्थान बनकर के तैयार होगा तो मालूम पड़ा कि लगभग
6000 की स्टूडेंट की कैपेसिटी यहाँ इस संस्थान के अंतर्गत होगी जो शिक्षा ग्रहण कर पाए। मुख्य अधिकारीगण हैं वो सब यहाँ आए हैं, जो जो प्रिंसिपल साहिबा के साथ और शौकी साहब के साथ मिलकर यहाँ पर एक अच्छे से अच्छा स्कूल देना। वैसे हिमाचल प्रदेश में अच्छे स्कूलों की कोई कमी नहीं है, अभाव नहीं है, दे आर सम वेरी गुड स्कूल्स, लेकिन हर एरिया में एक अच्छा स्कूल हो ताकि जो पड़ोस के बच्चे हैं, करीब के बच्चे हैं, वो आ सके। और ये एक अभी ये 4 साल पुरानी ये संस्था है, हमने जो कुछ अपने अनुभव में जो प्राप्त किया अच्छे स्कूलों में काम करके पढ़ के और वहाँ से कुछ सीख कर, उसका जो निचोड़ है सारांश हम यहाँ पे देने की का प्रयास करेंगे कि अच्छी एजुकेशन क्या होती है। सिर्फ पढ़ा लिखा देना काफ़ी नहीं होता है, सही वैल्यूज़ हों, सही मूल्य हों और एक सही भावना देश के प्रति, समाज के प्रति, किस तरह से हम भविष्य की तैयारी के लिए बच्चों को तैयार करें, ये सब प्रयास हमारा होगा इस स्कूल में। और बहुत दिल से शौकीन साहब ने बहुत मन लगा के, दिल लगा के और इसमें बहुत सारे संसाधन लगा के अच्छा स्कूल बनाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जैसे लैंडमार्क्स हैं, और लैंडमार्क्स हैं, स्पिरिचुअल लैंडमार्क्स हैं, इंडस्ट्रियल लैंडमार्क्स हैं, पॉलिटिकल लैंडमार्क्स हैं, उसी तरह से एजुकेशनल लैंडमार्क ये स्कूल बनेगा। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, आज के दिन इसका उद्घाटन हुआ है, इसका शुभारंभ हुआ है, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं एक बात का वायदा करता हूं कि किसी भी बच्चे को यहां से हम निराश होकर नहीं वापस दुनिया में जाने देंगे। जो भी यहाँ आएगा हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि उस बच्चे को तराश के, सजा कर, सवार कर हम वापस दुनिया को प्रस्तुत करेंगे, ऐसा हमारा यहाँ पे संकल्प है। आप कुछ कहोगे? हम जिस मन से बनाए हैं उसको तो प्रिंसिपल से ले लीजिए, एक स्टेटमेंट लेना कि जैसे शाहीन बाग में चल रहा है अभी, पहले इनसे बात कर लो, उसके बाद उठकर आप उससे जो चाहना पड़ेगा। एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है हमारे यहाँ पर अंडरघाट में, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की शुरुआत हुई है। और ये MOU लगभग 250 करोड़ का हमारे साथ हुआ था, और ग्राउंड ब्रेकिंग में भी हमारे साथ में ये लोग थे और उन्होंने कहा कि हम जल्दी इसको शुरू करेंगे। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये स्कूल का जो है विधिवत जो है वो उद्घाटन हुआ है, कक्षाएं जो है 2 दिन के बाद जो है परसों से शुरू हो रही है। इसकी कैपेसिटी जो है लगभग 6000 बच्चों की कैपेसिटी होगी जब पूरा इस संस्थान जो है अपने इस पर आएगा, काम करने की स्थिति में आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलेगी। लगभग 400 टीचर्स, 400 नॉन टीचिंग स्टाफ में भी इसमें स्कोप निकलेगा जब 6000 की कैपेसिटी इसकी पूरी हो जाएगी उस स्थिति में। तो इस बात का मैं कह सकता हूँ कि जो हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की थी, उस मीट का के बाद जो है ये पहला संस्थान है जो हमारा जमीनी स्तर पर जो शुरू हो गया है। जिन बातों को लेकर के कई लोग कहते थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हकीकत आकर के देखें ऐसा पायनियर इंस्टीट्यूशन हमारे एजुकेशन के फील्ड में यहाँ पर शुरू हुआ है। और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये संस्थान जो शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देगा।